ईसाई धर्म के प्रवर्तक एवं परम पिता परमेश्वर के पुत्र के रूप में मानवता का संदेश फैलाने वाले जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस 25 दिसंबर के मौके पर ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस डे का आयोजन किया जाता है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में संपूर्ण विश्व में पूजनीय है एवं क्रिश्चियन लोग इन्हें परम पिता परमेश्वर के पुत्र के रूप में पूजा करते हैं। अपने अल्प जीवन काल में ही संपूर्ण मानव जाति के लिए मानवता का संदेश फैलाने वाले जीसस क्राइस्ट ने जगह जगह घूमकर लोगों को साधारण भाषा में उपदेश दिए थे। आज के इस वीडियो के माध्यम से जीसस क्राइस्ट कौन थे संबंधित सभी जानकारी बताने वाले हैं। ईसा मसीह दुनिया में ईसाई धर्म का प्रतर्क एवं परमेश्वर पुत्र के रूप में पूजनीय है। परमेश्वर पुत्र के रूप में ईसा मसीह द्वारा संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए अनेक उपदेश दिए गए एवं ईसाई धर्म का स्थापना की गई। अपने जीवन काल में उन्होंने आम जनता को साधारण भाषा में मानवता का संदेश दिया, जिससे भी सभी लोग उनके अनुयायी बनने लगे। यीशु द्वारा शुरू किए गए धर्म को ईसाई धर्म के नाम से जाना गया एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा ईसाई धर्म का पालन किया गया। ईसा मसीह को इरवानी भाषा में ईसुआ एसुआ भी कहा जाता है, जो कि अंग्रेजी भाषा में जेसुआ जीसस क्राइस्ट के नाम से भी पुकारा जाने लगा। अपने जीवन काल में लोगों को ईश्वर का संदेश देने वाले जीसस क्राइस्ट को यहूदी एवं इस्लाम धर्म में भी वर्णन किया गया है। साधारण से मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले ईश्वर पुत्र द्वारा अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित कर दिया गया था। ईसा मसीह का जन्म की तिथि को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। हालांकि अधिकतर विद्वान ईसा मसीह का जन्म की तारीख 4 से 6 ईसा पूर्व में होना संभव मानते हैं। ईसा मसीह का जन्म 4 से 6 ईसा पूर्व में फिलिस्पीन के शहर बेथलेहम में हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम एवं पिता का नाम यूसुफ था। इसलिए धर्म का मान्यताओं के अनुसार ईसा मसीह की माता वर्जिन मरियम विवाह से पूर्व ही ईश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थी, जिसके पश्चात उनके पिता असूप द्वारा मरियम से विवाह किया गया। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व ईश्वर के दूत गैब्रियल ने मरियम को ईसा के जन्म के बारे में सूचना दे दी थी। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में एक जानवरों के तबेले में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म होने के पश्चात उनके माता पिता द्वारा बेथलेहम के अत्याचारी राजा हेरोद से ईसा मसीह को बचाने के लिए मिस्र देश में प्रवास किया गया। बेथलेहम के राजा हेरोद द्वारा 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। राजा हेरोद की मृत्यु के बाद ईसा के माता पिता पुनः बेथलेहम लौट गए एवं मरियम के गांव नाजरेथ में जाकर बस गए। कहा जाता है कि मात्र 12 वर्ष की उम्र में यीशु यहूदी धर्म के पुजारियों से विचार विमर्श करने लगे थे। इसके पश्चात अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष में उन्होंने अपने पिता का पुस्तैनी कार्य सीख लिया एवं बढ़ाई का कार्य करने लगे। ईसा मसीह द्वारा 30 वर्ष की उम्र तक बढ़ई के रूप में कार्य करते हुए साधारण जीवन व्यतीत किया गया। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने जान नामक संत के बपतिस्मा अर्थात धर्म का दीक्षा ली एवं लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। ईसा आम लोगों को साधारण भाषा में उपदेश देते थे एवं ईश्वर प्राप्त का मार्ग बतलाते थे। यीशु द्वारा स्वयं को ईश्वर पुत्र के रूप में लोगों का उद्धार हेतु समर्पित कर दिया। यहूदी पुजारियों द्वारा व्यापक जटिल कर्म कांड एवं अंधविश्वास की जगह यीशु ने नैतिकता एवं प्रेम का ईश्वर का मार्ग बताया। रोमन समाज के अत्याचारों से रस्त जनता को यीशु के सरल उपदेशों के अत्यधिक आकर्षित किया एवं जनता उन्हें उद्धारक के रूप में पूजने लगी। यीशु को मसीहा का अवतार मानकर जनता द्वारा उनके उपदेश का पालन किया जाने लगा एवं ईसाई धर्म का उत्पाद हुआ। अपने सरल उपदेश एवं नैतिक जीवन के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने वाला यीशु मसीह जल्द ही अमन जनों के बीच प्रसिद्ध हो गए। यीशु जहाँ भी जाते लोग उनके उपदेशों का ध्यान से सुनते एवं उनके उपदेशों का पालन करते रहते। हालांकि कट्टर यहूदी नेताओं के द्वारा यीशु द्वारा स्वयं को ईश्वर पुत्र कहना जरा भी रास नहीं आया एवं उन्होंने ईश्वर इनकी शिकायत रोमन सम्राट से की।
जिसके पश्चात राजा पोटियस के आदेश पर रोमन गवर्नर पिलातुस द्वारा शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, जिसे क्रासिफेशन कहा जाता है। हालांकि अपनी मृत्यु के 3 दिन पश्चात ही यीशु पुनः जीवित हो उठे। इस घटना से ईसाई धर्म में संडे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार पुनः जीवित होने के पश्चात यीशु 40 दिनों के बाद स्वर्ग चले गए थे। उनके उपदेश एवं शिक्षाओं के आधार पर एक नवी धर्म ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो चलिए जानते हैं ईसा मसीह की मौत का रहस्य। जीसस क्रिस्ट यानी ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि यहूदियों का ईसा की बढ़ती लोकप्रियता से तकलीफ होने लगी। उन्हें लगने लगा कि ईसा उनसे सत्ता ना छीन ले, इसलिए साजिश के तहत इन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। माना जाता है कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह की मौत हो गई थी, लेकिन असलियत यह है कि ईसा सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी जीवित रह गए थे। यह कहना है रूसी स्कॉलर निकोलाइट नोटोविच का। इन्होंने अपनी पुस्तक द अनोन लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट में लिखा है कि सूली पर चढ़ाए जाने से जीसस मरे नहीं थे। सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद यह अपने परिवार और माँ मैरी के साथ तिब्बत के रास्ते भारत आ गए। भारत में श्रीनगर के पुराने इलाके को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। 80 साल की उम्र में जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई। माना जाता है कि क्राइस्ट का मकबरा श्रीनगर के रोजबाल बिल्डिंग में आज भी है। जीसस क्राइस्ट के विषय में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भारत में बिताया। सूली पर लटकाए जाने के बावजूद जीसस जीवित रह गए। बाइबल में भी इस बात का उल्लेख है कि ईसा मसीह सूली पर लटकाए जाने के 3 दिन बाद अपने समर्थकों के बीच आए थे। इस दिन को ईस्टर के नाम से जाना जाता है।